संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा तोड़ने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ज्यादातर बीजेपी शासित राज्यों में मूर्ति कांड की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, जिसे लेकर मोदी सरकार विपक्ष के निशाने पर है। आज कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी इसे लेकर ही मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने बाबा साहेब की टूटी प्रतिमाओं की तस्वीरें जारी कर लिखा कि ये है बीजेपी और संघ की विचारधारा। दलितों ने सड़क पर उतरकर जब मोदी सरकार को ललकारा तो पीएम मोदी को खुद की सरकार का बचाव करने के लिए बाबा साहेब के नाम के सहारे के अलावा कुछ और नजर नहीं आया। उन्होंने अपने भाषण में ना तो दलितों की नाराजगी का जिक्र किया और ना ही SC ST एक्ट में बदलाव को लेकर कुछ कहा। बोला तो सिर्फ यही कि बाबा साहब का सम्मान जितना हमने किया उतना किसी और ने नहीं किया। खुद की सरकार को बचाने के चक्कर में पीएम मोदी एक बार फिर विपक्ष को कोस बैठे। ऐसे में विपक्ष भला कैसे चुप बैठता? इसलिए पीएम मोदी के इस दावे में कितनी हकीकत है ये बताने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने तस्वीरों के साथ एक ट्वीट किया। राहुल ने कई राज्यों में बाबा साहेब की प्रतिमाओं को तोड़े जाने की तस्वीरें पोस्ट करते हुए बीजेपी और संघ की विचारधारा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मोदी जी जिस दमनकारी विचारधारा से आप आते हैं वो दलितों और बाबा साहेब का सम्मान कभी नहीं कर सकती। भाजपा RSS विचारधारा द्वारा बाबा साहेब के सम्मान के कुछ उदाहरण। इस ट्वीट के साथ कांग्रेस अध्यक्ष ने जो तस्वीरें शेयर की हैं उनमें उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में बाबा साहेब की तोड़ी गई प्रतिमाओं के चित्र है। राहुल गांधी ने दलितों के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की कथनी और करनी में फर्क है। DB Live की रिपोर्ट।